देखें, पहला पाठ आपका संपन्न हो गया, कंप्लीट हो गया। आज से जो है दूसरा पाठ प्रारंभ हो रहा है। दूसरे पाठ जिसको आपको पढ़ना है उसका नाम प्लांट किंगडम यानी कि वनस्पति जगत, जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको खासकर पढ़ना है एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। क्या क्या पढ़ना है आपको इस पार्ट में? पढ़ना है आपको एल्गी, एल्गी। दूसरा पढ़ना है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तीसरा क्या पढ़ना है? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और चौथा पढ़ना है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और पांचवा पढ़ना है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसमें जो है जो आपको पढ़ना है केवल और केवल एक फैमिली आपको पढ़ना है, यानी कि पहले इसमें है पुष्प क्रम, जिसको इन्फ्लोरेशन अंग्रेजी में कहते हैं पुष्प क्रम। फिर क्या पढ़ना है? पुष्प के भाग, पुष्प के भाग, पार्ट ऑफ फ्लावर। फिर और क्या पढ़ना है? एक फैमिली आपको पढ़ना है जिसका नाम लिलिएसी, फैमिली लिलिएसी। इसे एक को जो इतने को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और ये जो और भी है लेकिन इसको जो है बोर्ड ने अभी कई परिवर्तन करना चाहा है, कि जो इस बीमारी के चलते जो इसमें से कोर्स को घटाया चाह है, तो इसलिए एक ही फैमिली को जो उसने कहा है कि कम से कम एक फैमिली आपको पढ़ना। तो चलिए आज हम इसी में से पहले पार्ट का आप लोग जो नोट, दूसरे पार्ट का नोट कर लेंगे इसमें कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम आज अध्ययन करते हैं एल्गी के विषय। एल्गी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? शैवाल, शैवाल। क्लियर? शैवाल कहते हैं। तो कहने के बाद अब जो देखिए शैवाल क्या है, आप कह सकते हैं कि एल्गी कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थायरोफाइट्स। एल्गी कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग थायरोफाइट्स ऑफ सिंपलेस्ट प्लांट हैव नो ट्रू रूट, नो ट्रू रूट लिव आर लिव लाइक ऑर्गन, लिव आर लिव लाइक ऑर्गन। दे आर प्लेस्ड इन द डिवीजन थायरोफाइटा, दे आर प्लेस्ड इन द डिवीजन थायरोफाइटा अलोंग विद द फंजाई। दे डिफर फ्रॉम द फंजाई इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एल्गी फॉर्म सेल्फ फूड मटेरियल्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो द एल्गी
इज अ ऑटोट्रॉपिक. द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द एल्गी नोन एज फाइकोलॉजी. Known as phycology. कहने का मतलब बेटा कि जो शैवाल है, एल्गी है, एल्गी को हम किसके अंतर्गत, थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन करते हैं. थैलोफाइटा इसमें वास्तविक रूप से रूट, स्टेम, लीफ और लीफ लाइक ऑर्गन. हमने हमने बताया कि एल्गी कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइटा हैविंग नो ट्रू रूट, स्टेम, लीफ और लीफ टाइप ऑर्गन. यानी कि इसमें जो है वास्तविक रूप से न जड़ होती है, रूट, रूट माने जड़, रूट. स्टेम, स्टेम में तना, लीफ और लीफ टाइप ऑर्गन. या यानी कि करें मतलब पत्ती की तरह कोई ऐसा ऑर्गन भी, अंग भी नहीं पाया जाता. ये फंजाई से किस प्रकार डिफर है, किस प्रकार भिन्न है, अभी हमने बताया कि दे आर डिफर फ्रॉम फंजाई, दे आर डिफर फ्रॉम फंजाई बाय द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. यानी कि इसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होने के कारण ये फंजाई से अलग है. आप करेंगे फंजाई के आपका बार बार फंजाई के लिए फंजाई जिसको आप हिंदी में कवक कहते हैं, कवक से ये किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, सॉरी क्लोरोफिल पाया जाता है और इस कवक में जो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. और इसी क्लोरोफिल की उपस्थित होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाता है. और क्लोरोफिल के कारण ये भोजन बनाया. अब ये कहां पर पाया जाता है, इसका जो है स्थान कहां पर होता है, कहां पर ये रहता है, कहां पर पाया जाता है, तो देखिए एल्गी जो फ्रेश वाटर, इसको जो हैबिटेट के अंतर्गत आवास हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि मोस्टली फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मतलब ताजी जल में गर्म जल के झरनों में, समुद्र में. अभी आपको बताएं हमने कहा कि समुद्र में भी ये पाए जाते हैं, तो समुद्र में कहाँ पाए जाता है, जैसे आप देखें लाल सागर है ना, काला सागर है. अब आप तो ये समझे कि उसका जल जो है ये लाल होता होगा, या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि समुद्र की महिमा के कारण जो है, समुद्र देवता की महिमा के कारण जो है ऐसा उसका कलर लाल हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है. उसमें रेड एल्गी लाल शैवाल उपस्थित होते हैं, उसी लाल शैवाल के उपस्थित होने के कारण उसका रंग कैसा दिखाई देता है, लाल. ऐसे भी हैं जो बर्फ में पाए जाते हैं, कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जहां जो बर्फ से ढकी हुई है, तो उस पर ये शैवाल जो बर्फ पर उगी हुई है
उनके कारण जो उनका कलर दिखाई देता है, वो समय समय पर प्रकाश के प्रकरण के कारण भी उसके कलर चेंज होते रहते हैं। तो इस तरह से जो है फ्रेश वाटर गर्म जल के झरनों में और जो है बर्फ में कुछ एपिफाइट्स भी होते हैं। एपिफाइट्स का मतलब जो होता है कि जो पौधों पेड़ पौधों पर भी उगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तालाब के जो है कीचड़ में भी पाए जाते हैं। तालाब जो कीचड़ में भी पाया जाता है, तालाब के कीचड़ में पाया जाने वाला जो है कीचड़ में जो पाया जाता है, जैसे कारा है, कारा ये जो है तालाब के तल पर यानी कि पानी के तल पर कीचड़ में पाया जाता है। फिर कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो कछुआ जैसे, कछुआ तो आप लोगों ने देखा होगा, कछुआ की पीठ पर पाए जाते हैं। कछुआ की पीठ पर जो पाया जाता है उसका क्या नाम है, उसका नाम प्रोटोडर्मा, जो ये कीचड़ में है और ये कछुआ की पीठ पर, पीठ पर इसका नाम प्रोटोडर्मा, ये कछुआ की पीठ पर पाया जाता है प्रोटोडर्मा। और कुछ ऐसे हैं जो जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे जू क्लोरेला, जो जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हैं, जंतुओं के शरीर के अंदर पाया जाने वाला शैवाल है जू क्लोरेला। क्लोरेला क्लियर। और कुछ ऐसे हैं परजीवी के रूप में, जैसे चाय है, कहवा है, चाय और कहवा की पत्तियों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जिसका नाम सिफाइलोरस। कहाँ पाया जाता है, चाय एवं कहवा की पत्तियों पर, इसके रूप में परजीवी के रूप में पाया जाता है। आपसे ये प्रश्न पीएमटी से पीएमटी में नीट में भी पूछा जाता है कि चाय के पत्ते पर उपस्थित जो परजीवी के रूप में सवाल उसका नाम है, तो उसका नाम है सिफाइलोरस, सिफाइलोरस, सिफाइलोरस। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो मनुष्य व दूसरे जंतुओं के अंतड़ियों में रहते हैं और जो है हल्के से पैरासाइट के रूप में रहते हैं। जो जब मनुष्य जंतु के अंतड़ियों में रहते हैं वो जो है हल्के से पैरासाइट के रूप में रहते हैं। कहां पर, मनुष्य व जंतुओं, जंतुओं के अंतड़ियों में रहते हैं, में रहते हैं। वो कौन सा है, कौन सा ऐसा शैवाल है जो मनुष्य और जंतु के कणियों में रहता है पैरासाइट के रूप में, वो भी इनिशियल पैरासाइट, उसका नाम है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया और दूसरा है सिमोनसेला, सिमोनसेला ये जो है इनका फैलीकार है। ये कौन कौन से ऐसे हैं जो कि पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बहते हुए यानी कि फ्लोटिंग वाटर,
जैसे लुथरिक्स है, एस्पारोवेरा है, ये पाए जाते हैं। फिर अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं इसमें कि शैवाल का न्यूट्रिशन कैसे, न्यूट्रिशन का मतलब भोजन, पोषण कैसे प्राप्त करता है, इसके द्वारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण। अभी हमने आपको बताया कि शैवाल हरे रंग का होता है। क्यों हरे रंग का होता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसे स्वपोषी कहा जाता है। इस तरह से पोषण हो गया इसका। ज्यादा नहीं, रिप्रोडक्शन के विषय में है। एल्गी में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? रिप्रोडक्शन इन एल्गी, तो देखिए आज आप मेथड जान लीजिए, कल आपको मैं इसके बारे में डिटेल बताएंगे। एल्गी में तीन प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन दिस केसेस द प्लांट बॉडी ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल पीसेस अंडर फेवरेबल कंडीशन, एवरी स्मॉल पीस डेवलप इंटू अ न्यू प्लांट दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। यानी कि इस विधि में क्या होता है, जो उसका शरीर है छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियों की आने पर वो प्रत्येक टुकड़े से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। क्लियर? और आगे जो है आपको डिटेल बताएंगे। धन्यवाद।